हे दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कटिंग, राइट। तो हम लोग जानने वाले हैं कटिंग फोर्स के बारे में। आप क्वेश्चन रहेगा वाह है क्यों, राइट। तो बेसिकली कटिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। देखो, कटिंग फोर्स क्या होता है, कटिंग फोर्स हम लोग प्रेस टूल के लिए जानने वाले हैं। प्रेस टूल में हम लोग शीट मेटल के कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बोलूं किसी शीट मेटल के ऊपर अगर मैं कोई लोड लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा पंच से, और फोर्स को अप्लाई करूंगा तो उसको काट देगा, राइट। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स रहेगा वो कटिंग मेटल को कट करने के लिए यूज होता है। मेटल को कट करने के लिए वो रिक्वायर्ड फोर्स यूज होता है। बिल्कुल सही, आपने काट दिया, अच्छी बात है, राइट। चलिए देखते हैं कटिंग फोर्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं भाई। तो व्हाट इज कटिंग फोर्स, फोर्स क्या होता है। देखो, कटिंग फोर्स के लिए हमको छोटी सी डेफिनेशन देखना पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ बोरिंग होती है, लेकिन समझना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई शीट मेटल का कंपोनेंट है, तो शीट मेटल की थिकनेस को अगर मुझे काटना है, कटिंग, उसके ऊपर मुझे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली कितनी कैपेसिटी की प्रेस मशीन की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको हमको डिटरमाइन करना है, उसको हमको समझना है कि भाई, राइट, कटिंग फोर्स निकालने हैं किसके लिए, ताकि हम लोग प्रेस मशीन का सिलेक्शन कर सके, राइट। ओके, तो कटिंग फोर्स कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले। तो ये कंप्लीट जो फॉर्मूला है, जिसमें है F इक्वल टू Fs मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय T, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस 20% जो है वो FOS, विच इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी है यहाँ पर जो T है वो है शीट मेटल का थिकनेस इन mm, ठीक है। L जो है वो लेंथ ऑफ कट, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो। Fs जो है वो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक मटेरियल, राइट। और जब FOS है, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। हर मटेरियल के लिए ये स्ट्रेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। एमएस की बात करूं तो ये 200 से लेकर 300 तक होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, राइट। मतलब ये रिक्वायर्ड फोर्स है इसको काटने के लिए, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके साथ। कॉपर के लिए देखूं तो 180 होती है, स्टील के लिए हो तो 1600 तक हम लोग उसको इसका लेना पड़ता है। तो हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग होती है, और हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, राइट। फोर्स कैलकुलेशन फॉर द कंपोनेंट, अब मेरे पास एक कंपोनेंट अवेलेबल है, इसके ऊपर जो आपको ये पूरा पोर्शन दिख रहा है ब्लू कलर का, वो है इसका पैरामीटर, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ कट, जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर सेक्शन व्यू में बात करूं तो दिस इज द थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट के क्या है, थिकनेस है, राइट। मैं क्या करता हूँ उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो हमारे पास कुछ गिवन डाटा है, फॉर एग्जांपल, राइट, जिसमें सबसे पहले क्या दिया है, एमएस मटेरियल है, और शेयर स्ट्रेंथ जो है इसका 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, राइट। और क्या गिवन डाटा है हमारे पास, और है थिकनेस जो है वो 2 mm है शीट का थिकनेस, एल जो है वो 256 mm है, राइट। एफ एस जो है वो है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, विच इज द शेयर स्ट्रेंथ, राइट, ठीक है। तो सिंपल से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एंड पुट द वैल्यू, यू विल गेट सम वैल्यू, ठीक है। जब आप इसके अंदर कुछ वैल्यू रखोगे तो आपको ये कुछ मिलने वाला है, ठीक है। 20% फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई इसमें हमको क्या मिला है, वो मिला है 19 टन। तो 19 टन मतलब 19 टन की मुझे रिक्वायरमेंट है इस मेटल को काटने के लिए, राइट, ठीक है, समझ में आया, आई होप। ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच।